दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल से। देखिए पैन कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है, न्यू बनाना है पैन कार्ड, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि आप मोबाइल से ही कर सकते हो ये, और उसमें आपको एक पेमेंट करना पड़ता है ऑनलाइन। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए चलिए हम अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन पर जाते हैं और वहीं पर बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है जिससे आप न्यू पैन कार्ड बना सकते हो। बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन करना है। जैसा कि आपको पता होगा क्रोम ब्राउजर सभी के मोबाइल में होता है, इसको आपको सिंपली यहाँ से ओपन करना है। आप क्या करना है, चलिए सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है गूगल पे सर्च करना है आपको NSDL। सिंपली NSDL लिखकर आप सर्च करेंगे, उसके बाद जो ऊपर वेबसाइट यहाँ पर आती है देख सकते हो ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट पर क्लिक किया। अब जैसे आप उस पर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर ऐसा पेज आपके पास ओपन होगा, तो आपको यहाँ पर नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप पे आपको यहाँ पर न्यू पैन इंडियन सिटीजन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप पे आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया इंडिविजुअल। उसके बाद नीचे यहाँ पर आना है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर टाइटल पे आपको श्री कर देना है, अगर आप बना रहे हो पैन कार्ड किसी का, अगर किसी लेडी का बन रहा है तो आपको SMT पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने श्री पे क्लिक किया बेसिकली। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम पे आपको अपना सरनेम लिखना है, अगर आपका केवल फर्स्ट नेम ही लास्ट नेम नहीं है तो जो फर्स्ट नेम है वही भी आपको लास्ट नेम में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सरनेम लिखना है, चलिए मैं यहाँ पर अपना सरनेम लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने लास्ट नेम लिख दिया, फर्स्ट नेम लिख दिया, उसके बाद मिडल नेम आपको ब्लैंक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देना है अपने आधार कार्ड के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करके इस पर टिक करके सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर आप टिक करोगे उसके बाद नीचे आओगे। उसके बाद यहाँ पर जो एक इस बॉक्स में जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, जो भी इसमें लिखा हो वही टाइप करके आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ऐसा पेज आएगा, तो इस पेज को क्या करना है आपको एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, ताकि आप जो टोकन नंबर है इस टोकन नंबर को आप डाल के अगर पेज कभी डाउन होता है तो उसी स्टेप से आप मतलब वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर ये बाद में अगर साइट बंद होती है तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि सबमिट डिजिटल थ्रू इस पर क्लिक नहीं करना है आपको। यहाँ पर जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है सबमिट स्कैंड इमेज थ्रू ई साइन, यानी कि आप अपने हिसाब से अपने पैन कार्ड पर फोटो और सिग्नेचर चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए सेकंड नंबर पे। और जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो उनके लिए है जो ई केवाईसी के थ्रू अपना पैन कार्ड बनना चाहते हैं, यानी कि आधार नंबर से बिना जो आधार पे फोटो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेकंड नंबर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए वीदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर डालना है आपको, यहाँ पर आपको 4 डिजिट नंबर डालोगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड में नेम है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, जो भी आपके आधार कार्ड में नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बस आप चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए आप। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है वही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आप सिंपली नो पे क्लिक कर देने देना। उसके बाद यहाँ पर फादर का लास्ट नेम लिख देना है सरनेम, उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम लिख देना है। अगर आप किसी लेडीज़ का बना रहे हो, लेडीज़ की शादी भी हो चुकी होगी, तो उसका फादर का नेम यहाँ पर आएगा। उसके बाद मदर नेम छोड़ दीजिए आप, यहाँ पर देख सकते हो फादर नेम है, प्रिंट होकर आएगा अपने पैन कार्ड का। उसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक कर लेते हैं। आ चुके हैं हम यहाँ पर सेकंड नंबर पर, देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है सोर्स ऑफ इनकम, तो देखिए अगर आप किसी स्टूडेंट का बना रहे हो तो आप नो इनकम पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ऑप्शन भी टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं नो इनकम पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपको रेसिडेंस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है, जिस एड्रेस पर आपका पैन कार्ड पोस्ट ऑफिस से 15 दिन के अंदर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली फ्लैट या फिर डोर नंबर आप लिख दीजिए जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पर विलेज का नाम लिख दीजिए या फिर अपने बिल्डिंग या फिर मोहल्ले का नाम इसमें लिख सकते हो। उसके बाद रोड, यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद यहाँ पर आपका तहसील या फिर जो भी आपका मतलब विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद टाउन सिटी में अपने सिटी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद कंट्री नेम में आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट यानी कि अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड में अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद ऑफिस एड्रेस को ब्लैंक छोड़ दीजिए, नीचे आइए। उसके बाद यहाँ पर टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। कंट्री कोड आपको सेलेक्ट कर लेना है 91, जो कि इंडिया का कोड है। 91 पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर सर्च करके तो कंट्री कोड यहाँ पर सिंपली आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कंट्री कोड पर मैं 91 पर क्लिक करता हूँ, या फिर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए आप। इंडिया सेलेक्ट करोगे तो इंडिया का कोड आ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, राज्य।
अब देखिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करने देना, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पर हमने सब इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ चुके हैं हम थर्ड नंबर पेज पे। यहाँ पर एरिया कोड में आपको क्या डालना है, एयर टाइप में क्या डालना है, सिंपली अगर आपको कुछ पता नहीं तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद यहाँ पर इंडियन सिटीजन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर स्टेट पर आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका राज्य, आप यहाँ पर सिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जो भी सिटी आपको लगती है वो सिटी सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पर कोड आ जाएगा, आप यहाँ पर इनमें से किसी पे एक टिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। यहाँ पर मैं फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, आप जो भी सेलेक्ट इन तीनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर लेते हो इससे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर प्रेस कर देना है। अब नेक्स्ट वाले बटन पर आपने प्रेस कर दिया, उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई में आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी हम आधार कार्ड दे रहे हैं, तो आधार कार्ड क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ, यहाँ पर भी आधार कार्ड सिंपली ओपन कर लीजिए। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको करना है, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपको हिमसेल्फ हर सेल्फ कर देना है, प्लेस पे आप अपने विलेज का नाम लिख दीजिए, ठीक है, प्लेस में अपने अपने विलेज का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर डेट आ जाएगी जब आप अप्लाई करो। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर इस वाले एरो पर क्लिक करके जो भी फोटो है आपके पास, फोटो देखिए यहाँ पर साइज बता रहा है कि 200 dpi में होना चाहिए। अगर आपको फोटो क्रॉप करना नहीं आता है तो मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, वहाँ से आप फोटो और सभी को क्लिक करके बना सकते हो, PDF वगैरह जो भी आपको मैं बता दूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से फोटो हम अपलोड कर, अब यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फोटो हमारा आ जाएगा। फिर से अब यहाँ तक अपलोड सिग्नेचर, तो सिग्नेचर पे यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करेंगे, अब सिग्नेचर अपलोड करने की ये बोल रहा, तो यहाँ से हम सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। अब फिर से अपलोड पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगी, देख सकते हो सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एक PDF आपकी होनी चाहिए आधार कार्ड की, 300 KB के अंदर होनी चाहिए, तो ये PDF भी हमारी अपलोड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अपलोड हो रही है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर PDF आ चुकी है सबमिट। अब जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पर 8 digit का आधार नंबर आपको डालना है, स्टार्टिंग के जो 8 अंक होते हैं वो इसमें डालना है। सभी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली प्रोसीड पर हम क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि पेमेंट है 106 point ऐसा कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा, 106 रुपये। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आप देखिए 106 रुपये 90 पैसे, उसके बाद पे कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए आप पेटीएम या फिर UPI फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हो, तो देखिए मैं यहाँ पर UPI के सेलेक्ट करके अपनी जो पे ID है फ़ोनपे की उससे पेमेंट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया है पे, उसके बाद डायरेक्टली ये फ़ोनपे में रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद सिंपली फ़ोनपे में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका UPI पिन एंटर करने के बाद। अब कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, उसके बाद ये उसी पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर उसी पेज पे हम आ चुके हैं, यहाँ पर आपको 30 या फिर 35 सेकंड का वेट कर लेना है, प्रोसेसिंग होगा ये, आपको कुछ भी कैंसिल वगैरह नहीं करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर चल रही प्रोसेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मतलब वेट करना पड़ेगा आपको 30 सेकंड का। अब देखिए यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर एक आए, तो यहाँ पर आपको राइट कर देना है नीचे। राइट करने के बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, अब OTP ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया गया है, वो OTP एंटर करके सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो अपनी PDF फाइल को आप, सिंपली आपका जो पासवर्ड रहेगा आपको डेट ऑफ बर्थ ही रहेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।